हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स के दीवाने में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है गाइस। इस ब्लॉग में मैं अपने गांव की कलश यात्रा आप सभी को दिखाऊंगा, बने रहिए। ये कलश यात्रा हमारे गाँव में एक भागवत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है आज से, उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये कलश यात्रा अभी हमारे घर के पास से गुजर के जाएगी, तो बने रहिए ब्लॉग्स में, मैं आपको आगे ये कलश यात्रा दिखाता हूँ। ये कलश यात्रा हमारे गांव के मंदिर से प्रारंभ होकर संपूर्ण गांव में घूमने के बाद पुनः मंदिर पर प्रस्थान करेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ ही समय में ये कलश यात्रा हमारे मंदिर से प्रारंभ होने वाली है, तो गाइस बने रहिए। और ये जैसे ही मंदिर से प्रारंभ होगी मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। सो फाइनली गाइस, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, फिर लेके चलता हूँ आप लोगों को मंदिर की तरफ। ये मेरा घर है और मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं आपको मंदिर तक लेके चल जाऊँ। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको अपने गाँव का मंदिर भी दिखा। देखिए गाइस, ये हमारा गाँव है, बहुत ही प्यारा गांव है हमारा। ये हम अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये हमारे गांव की गलियां हैं। सो फाइनली गाइज, मैं मंदिर के नज़दीक पहुंच चुका हूं और यहां से जो है साउंड की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, उसे मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कॉपीराइट की वजह से। तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हैं। चलिए अब मैं आपको मंदिर पर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ अपने यहाँ का मंदिर। सो फाइनली गाइज, देखिए साउंड भी तैयार है और ये हमारे मंदिर की मेन रास्ता है। चलिए आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। गाइस, मुझे ये मंदिर पे एक भाई मिला है। ये उसका फ़ोन है, कितना छोटा फ़ोन है, बहुत ही प्यारा। ऐसा फ़ोन आपने पहले कभी देखा है कमेंट में बताना। ये गाइस दिखाते हैं हम आपको अपने यहाँ का मंदिर। ये देखिए हमारे यहाँ का मंदिर है। ये भागवत कथा के लिए स्टेज तैयार हुआ है। देखिए गाइस कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का मंदिर, कमेंट में बताना। अगर आप लोग मंदिर की पूरी वीडियो चाहते हैं, केवल और केवल मंदिर की, तो कमेंट में बताना, मैं आपको पूरी मंदिर की वीडियो अलग से दे दूंगा। मंदिर के आसपास का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है गाइस। गांव के मंदिर तो छोटे होते हैं बट वो खूबसूरत बहुत होते हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। देखिए गाइस, जो गांव के मंदिर होते हैं उनकी ज़्यादातर लोकेशन खेतों की तरफ होती है, जिस कारण से उनकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। गाइस ये हमारे नीचे वाले मंदिर का व्यू है, और जो आप ये गोल झोपड़ी देख रहे हैं इसके नीचे हमारा हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पर हवन किए जाते हैं। अभी मैं मंदिर की छत पे हूँ और मैं ऊपर वाला मंदिर आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमारी देवी जी विराजमान है, आप लोग दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो सो फाइनली गाइस, हमारी कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। देखिए गाइस, अब ये कलश यात्रा आगे कहां कहां जाएगी, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ऐसे कार्यक्रम हमारे गांव में समय समय पर होते रहते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गाइस, अब हम अपने गांव के पास वाले हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हाईवे पर पहुंचने का मतलब है कि जो हमारे गांव के पास में एक गांव है उसके मंदिर तक हमारी कलश यात्रा जाएगी, इस वजह से हमें हाईवे पर आना पड़ा। एक्चुअली गाइस, हाईवे क्रॉस करने के बाद हम आपको अपने गांव के पास में जो गांव है
उसका मंदिर भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। गाइस ये है हमारे गांव के पास में जो गांव है बिशनपुर, उसका मंदिर। देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको मंदिर, कमेंट में बताना।